एक तरफ जहां आज हिसार में किसानों के ऊपर हुई लाठी चार्ज को लेकर पूरे प्रदेश में सियासी उबाल आया हुआ है और सभी बड़े किसान नेता हिसार में जमा हो गए हैं, तो वहीं इसका असर अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी दिखने लगा है, जिसके चलते दादरी में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का काले झंडे दिखाकर विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी बात ये रही कि इस दौरान मंत्री के दादरी आगमन पर पहले से ही चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे, जिसके चलते कोई बड़ा बवाल होने से टल गया। वहीं फोगाट खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि सरकार को कोविड महामारी के चलते जल्द से जल्द किसानों से बात कर उनकी समस्या का हल करना चाहिए। भाई, जैसा कि आप सबको पता है, 6 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते, और उसी किसान आंदोलन आज जैसे जेपी दलाल साहब मंत्री हैं, वो आए थे रेस्ट हाउस में, तो उनका पता लगा। उनका आने के बाद विरोध दर्ज करने के लिए सारे किसान भाई इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, लेकिन भाई बिल्कुल उनका विरोध दर्ज किया गया यहाँ पे काले झंडे दिखा के, और वो पिछले गेट से चले गए। पुलिस वालों ने भाई आगे किसी को नहीं जाने दिया, लेकिन ये घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं कि भाई सरकार इस किसानों की 6 महीने हो गए समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, और ऊपर से कोविड जो बीमारी चल रही है, महामारी आ चुकी है, तो सरकार ने तुरंत मतलब इस विषय में बातचीत का एक आधार बना के बातचीत शुरू करनी चाहिए और जल्द से जल्द इन किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में हरियाणा सरकार के नेताओं का विरोध भी लगातार जारी है। जहां आज हिसार में किसानों ने प्रदेश के मुखिया का विरोध किया, तो वहीं दादरी में भी किसानों ने कृषि मंत्री को काले झंडे दिखाए। इस दौरान किसानों के विरोध को देखते हुए मंत्री को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। चरखी दादरी से विजय ढिंडोरिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।